जी वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सिटी एट 10। मैं हूँ जहरा रज़ा और हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है तला अनवर ने, जो कि एजुकेशनल एडवाइज़र हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं यूथ पार्लियामेंट के। तो उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तला, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, यू आर डूइंग माशाल्लाह ग्रेट शो एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस यू नो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउडेज। और बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो गया क्योंकि अक्सर हम सवाल करते हैं कि तारीख पे हमें अपना बड़ा नाज है कि जी हमने ये ईजाद किया, हमने वो ईजाद की। तमाम मोमिन की मीरास कहा जाता है तालीम को और इल्म को, लेकिन फिर हम देखते हैं तो थोड़ी सी मायूसी भी नज़र आती है कि जो हमारे पाकिस्तानी तलबा हैं या क्या ओवरऑल पाकिस्तान जो इस वक्त प्रोफेशनल लाइफ में भी हैं, तो उसमें सुई से लेके जहाज तक हमने क्या इन्वेंट किया, या इंसान के इस दुनिया में आने से और जाने तक, यानी कि जो कफन हम पहन रहे हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रहा, और जो बच्चा इस दुनिया में आ रहा है उसके लिए जो आलात जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं बन रही। तो ये बड़ा एक फुकदान नज़र आता है। तो इसके लिए आला तालीम हासिल करना मेरे ख्याल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जितने भी हमारे हम तारीख उठा के देखें, जितने बड़े बड़े लीडर्स हमारे गुजरे हैं वो बाहर से आला तालीम हासिल करके आए, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान अल्लामा इकबाल, बड़े बड़े नाम ऐसे, और मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब समेत बड़े लीडर्स। तो आप क्या समझते हैं, आजकल की बात की जाए तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है, इंटरनेट से बहुत ज़्यादा फैसिलिटी आ गई है, लोगों को पता भी चल गया है, लेकिन स्टिल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तलबा व तालिबात हैं जो अप्लाई करना उनको प्रोसीजर नहीं पता, उनको कॉस्ट नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि कौन से ममालिक हैं, कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप दे रही हैं। तो किस तरह स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ज़्यादा किन ममालिक में जाना बेहतर है और कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। मैं आपके उस पिछले जुमले से आगाज़ करता हूँ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी पाकिस्तान से बाहर, ऑब्वियसली उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था, अल्लामा इकबाल की तालीम भी जो थी वो हिंदुस्तान से बाहर थी क्योंकि पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन क्योंकि अब 70-75 साल गुजर गए हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि अब उस दर्जे की बहुत सारी जामियात होनी चाहिए थी, हैं बहुत सारी जामियात पाकिस्तान की बहुत अच्छे लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर काम कर रही हैं, थोड़ा सा उसका नंबर ज़्यादा होना चाहिए था। पॉइंट नंबर टू कि एक स्टूडेंट को पता कैसे चले कि उसे कौन से कंट्री जाना है, ठीक है? तो मैं आज आपके चैनल और इस सिटी एट 10 के तवस्सुत से तमाम अपने व्यूअर्स को ये बता देता हूँ कि आपने सिर्फ 5 फैक्टर्स को देखना है। सबसे पहले ये देखना है कि पूरी दुनिया में जो 204-206 ममालिक हैं उनमें से आपके लिए कौन सा मुल्क अच्छा है। तो आपने देखना है कि आप जो चीज़ पढ़ना चाहते हैं उसका इंटरेस्ट और उसकी मार्केट उस कंट्री में कैसी है। पॉइंट नंबर टू, वहाँ पर ज़बान कौन सी बोली जाती है, मैं उस पर भी आऊँगा क्योंकि बहुत बड़ा एरिया यूरोप, वहाँ पर 28-29 मुल्क और तमाम जगह अलग अलग ज़बानें, तो ऐसा ना हो कि आप उस डिग्री को तो हासिल कर लें लेकिन उस लैंग्वेज बैरियर की वजह से सर्वाइव ना कर पाए। पॉइंट नंबर थ्री, क्योंकि पाकिस्तान एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है और इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली की तरफ से नहीं होती, तो स्टूडेंट को ये देखना चाहिए कि उस कंट्री की पॉलिसी स्टूडेंट के लिए क्या है। क्या वो उसको पार्ट टाइम वर्क अलाउ करेंगे, 20 आवर्स जो अलाउड होते हैं काम करना, या नहीं। पॉइंट नंबर फोर कि आपको पढ़ाई के बाद क्या अपॉर्चुनिटी है। जैसे कुछ कंट्रीज हैं ज़रा जो आपको कहते हैं कि अगर आपकी अंडरग्रेड या पोस्ट ग्रेड कंप्लीट होता है तो यू विल हैव पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, यानी आप वहाँ पे जॉब सर्च करें, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लें। पॉइंट नंबर फाइव कि वहाँ पर लॉन्गर रन में आपके पास क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं फ्रॉम दैट कंट्री। तो स्टूडेंट हमेशा चाहता है कि वो पढ़े, पढ़ने के बाद थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले और फिर पाकिस्तान वापस आए और अपने ही होम कंट्री को सर्व करे। अब स्कॉलरशिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, रैंकिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो रैंकिंग इज़ बेसिकली इट्स जस्ट नॉट अ नंबर, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि यूनिवर्सिटी का कैंपस कितना बड़ा है, उसमें फैसिलिटीज़ कितनी हैं, उसमें रिसर्चेस कितनी हो रही हैं, उसकी PhD स्कॉलर्स कितने हैं, तो ये तमाम फैक्टर्स मिलकर रैंकिंग्स बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मैं बात करूँ UK की, तो क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन, यू हैव ब्रूनेल यूनिवर्सिटी रैंकिंग 383 इन द वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ एसेक्स, इनका कॉलचेस्टर और साउथ एंड पे कैंपस है, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी टॉप 500 इन द वर्ल्ड में आ जाती है। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर होता है वो बड़ा सिंपल सा है जी, कि आपने अपने प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स और जो आप पढ़ना चाह रहे हैं डिजायर्ड कोर्स, और उसमें जो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है ज़रा, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या लेटर ऑफ मोटिवेशन, कि वो यूनिवर्सिटी इतने सारे स्टूडेंट्स को छोड़ के आपको क्यों सिलेक्ट करें। सो आपके ग्रेड्स कभी कभी मैटर नहीं करते, आपका आइल्स का स्कोर कभी कभी मैटर नहीं करता, लेकिन आपका जो एक ख्वाब है, जो आपका एक परसेप्शन है उस डिग्री को लेके और सोसाइटी को सर्व करने का, वो कभी कभी बहुत मैटर करता है। सही। अच्छा तरह मुझे ये भी बताइए कि जब आपके पास लोग आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए
लिए या जो एजुकेशनल एडवाइस लेने के लिए, तो ज़्यादातर उनका क्या होता है माइंड में कि वो अगर बाहर जाना चाह रहे हैं तो आला तालीम के हुसूल के लिए जाते हैं, या उनका पर्पस ये होता है कि वो वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे या वो वापस आएंगे और मुल्क वो जो उन्होंने डिग्री ली है उससे मुल्क और कौम की यू नो उसके लिए देखिए मैं करेंगे? आपको सच बताता हूँ जी, मैं आपको सच बताता हूँ। इस वक्त ख़ास तौर पे आप कराची बेस्ड हैं और कराची के मामलों को बड़ा उजागर कर रही होती हैं अपने शो में जी, तो आप उन्हीं से ना चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज कर सकती हैं। हाँ। यानी अगर मैं कुछ खबरें उठा के देखूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि जामियात में हाँ। कभी किसी ख्वातीन के साथ कोई मामला हो गया हाँ। या मेरिट पर स्टूडेंट्स का अक्सर हमारे पास जो एक कंप्लेन हाँ। आती है कि सर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लेकिन हमें उतनी अच्छी हमारी इवैल्यूएशन नहीं हो सकी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, आपका लाइफस्टाइल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बड़ा मैटर करता है। यानी कि एक स्टूडेंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पाकिस्तान में अगर एक सिविल इंजीनियर है तो उसकी जो सैलरी का स्केल है वो 1.5 से 2 लाख रुपये पाकिस्तानी है, लेकिन अगर वही स्टूडेंट बाहर जाके जॉब करेगा तो अब उसकी अगर मैं वैल्यूएशन करता हूँ तो हाँ। वो पाउंड्स में अगर मैं आपको बताऊँ तो 3 से 4 हज़ार पाउंड्स पर मंथ बनता है हाँ। जो 6 से 8 लाख रुपए बनते हैं। वही आप हैं जहरा हाँ। वही आपकी डिग्री है, वही आपकी स्किल्स हैं, आप उतना ही काम कर रही हैं हाँ, हाँ। काम भी आप उतना कर रही हैं, लेकिन अब आपकी वैल्यूएशन मल्टीप्लाई बाय 200 हो रही है। तो कुछ स्टूडेंट्स ज़रूर हैं जो वहाँ पे रुकते हैं और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं हमारी यहाँ पे फैमिली है हाँ, या हमने अपने होम कंट्री को सर्व हाँ। करना है तो वापस भी आते हैं। सही। अच्छा तलहा, ज़्यादातर हम अगर देखते हैं कि लोग जो बाहर जाना चाहते हैं वो US या UK या यू नो कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें मलेशिया या सिंगापुर या फिर चाइना, तो टर्की भी अब जो है काफ़ी कोर्सेज ऑफर कर रहा है, तो आजकल देखने में आ रहा है इस तरफ भी रुझान बढ़ रहा है? बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है जहरा। उसका हाँ। रीज़न ये है कि अगर आप मलेशिया की बात हाँ। करें तो मलेशिया में जो एक सोशल सिक्योरिटी का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा है हाँ। और वहाँ पर जो फाइनेंसेस हैं वो बहुत कम लगते हैं हाँ। तो यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया, जो ऑस्ट्रेलियन और UK यूनिवर्सिटीज़ थी उन्होंने अपने कैंपसेस बना दिए मलेशिया में कि आप मलेशिया में पढ़ के 2 डिग्रीज ले सकते हैं, मलेशिया की यूनिवर्सिटी की भी और UK की भी। सो अगर आप इसको कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखें तो आप कोई 10% में मलेशिया में वही डिग्री ले सकते हैं जो आपको UK में मिलनी थी या USA में मिलनी थी। फिर आपके पास ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स हैं। मैं कोट करना चाहूँगा एक एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटी, इट्स नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन मलेशिया, यू हैव टेलर्स यूनिवर्सिटी, यू हैव इंटी यूनिवर्सिटी, तो इनकी पार्टनरशिप्स हो गई हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट डायरेक्टली पाकिस्तान से अगर USA नहीं जा पा रहा ड्यू टू एनी रीज़न तो वो अपने इनिशियल ईयर्स को मलेशिया में स्पेंड करे और फिर लेटर ऑन जो लास्ट ईयर्स हैं अपनी डिग्री के वो USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या UK में स्पेंड कर सकता है। तो अब उसके ऊपर पॉलिसीज थोड़ी हाँ, हम देखते हैं बहुत सारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो यहाँ पर प्रोग्राम हैं लॉ के, जैसे हम बात कर लें जो बाहर की डिग्री देते हैं, तो क्या उसमें भी फ़ायदा होता है क्योंकि आपकी कॉस्ट एक तो कम होती है, फिर लास्ट जैसे आपने बताया कि लास्ट ईयर या लास्ट 2 ईयर्स मास्टर्स के आप जाके बाहर ले सकते हैं, बैचलर आपने यहाँ कर लिया, खासतौर पर लॉ की बात करें तो देखिए एक लॉ एक वो फील्ड है कि जो बड़ी नोबल है और एक लॉयर को जितना ऑनेस्ट होना ज़रूरी है उतना ही उसका एक्सपोजर होना भी ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता आपके साथ आज कोई इशू हो जाए तो आप हमेशा एक बड़ा लॉयर ढूंढेंगी, आप एक बड़ा डॉक्टर ढूंढेंगी, और उस बड़े होने का आपके जहन में या हर पाकिस्तानी के जहन में एक पैमाना क्या है कि उसकी डिग्री बाहर की हो। यानी जब बाहर लॉयर के बोर्ड लगा होता है ना कि जी बैरिस्टर हैं UK से पढ़ के आए तो आप कहती हैं उस पर ट्रस्ट ज़्यादा हो जाता है। और दूसरा पॉइंट सॉरी मैं इसमें ऐड कर दूँ, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कि आप यहाँ से बैठ के पढ़ सकते हैं कि आपने यहाँ से पढ़ा और डिग्री UK की ले ली, आपने ऑनलाइन पढ़ लिया, आपने जूम पे क्लासेस ले ली, आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपका जो एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है जो वो UK जाके ही मिलना था या USA जाके ही मिलना था वो कहीं लैक हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक कमरे में हम किसी स्टूडेंट को बंद करें, उसको कहें कि जी ये तमाम किताबें 5 साल तक आपने इस कमरे से बाहर नहीं निकलना, आपने जो खाना है ऑर्डर इट, हैव इट, पढ़ते रहें। जो फैसिलिटीज़ एक MBBS वाले स्टूडेंट को देते हैं उसी एक स्टूडेंट को देते हैं हाँ। जब वो 5 साल बाद निकलेगा क्या आप अपना इलाज कराएंगी उस डॉक्टर से? बात है, नहीं कराएंगी।
सही, बिल्कुल बहुत अच्छी एग्जांपल दी। अच्छा तला ये बताइए कि आप शुरू में बताने वाले थे कि एक फॉर एग्जांपल मैं अगर जाना चाह रही हूँ बाहर और पढ़ाई के हवाले से, और जो हमें देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स वो जाना चाह रहे हैं, तो आपने कहा 5 बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको मद्देनजर रखने चाहिए, 5 स्टेप्स, तो वो मेरे ख्याल आप बता रहे थे, 2 शायद मिस हो गए, तो मैं उसको थोड़ा सा लास्ट में अगर कुछ रह गया, पॉइंट नंबर 4 तक तो मैंने बता दिया था। पॉइंट नंबर 5 ये होता है कि लॉन्ग रन में आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज होंगी उस कंट्री में जहाँ पर आप रहना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स के रिलेटिव भी बाहर हैं। मैं आपको बताऊं जरा, इट्स नॉट अ बैड थिंग कि अगर आप कोई स्टूडेंट बाहर जाता है और वो सेटलमेंट की तरफ मूव करना चाहता है, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बड़ा फख्र करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज पर, तो वो ओवरसीज पाकिस्तानी बनता कैसे है, वो या तो वर्क रूट पे जाता है या वो स्टडी रूट पे जाता है। तो उनके जो इक्तसादी सिपाही कहते हैं, बाकायदा इमरान खान उनको इक्तसादी सिपाही कहते हैं, कि जब वो रेमिटेंसेज आती हैं इस मुल्क में तो इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो बड़ा फायदा होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली यही है। 18-22 करोड़ आवाम एक साथ कहीं शिफ्ट नहीं हो सकती। कोई फैमिली का बंदा जाता है, वो फिर अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करता है और एट द एंड वो वापस पाकिस्तान ही आता है, क्योंकि यहाँ का जो एक हुब्बुल वतनी है या यहाँ की मिट्टी में जो एक मोहब्बत है ना, वो आपको कहीं और नहीं मिलती। आप बात करें, हमारे पास अक्सर स्टूडेंट्स से हम बात करते हैं, वो कहते हैं सब कुछ अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन लाइफ के किसी ना किसी फेज़ में आपको ख्याल आता है कि नहीं, अब पाकिस्तान का चक्कर थोड़ा सा लगा लेना चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, यहाँ की मिट्टी और अपने वतन से जो मोहब्बत होती है वो आपको वापस कभी ना कभी खींच कर ले आती है। तो तलहा वो लोग जो कि परेशान रहते हैं और ख़ास तौर पे जो अपना डिसाइड नहीं कर पाते, डिसीजन मेकिंग बहुत उनकी कम होती है इस हवाले से कि उनको आगे करना है, किस फील्ड को चूज़ करना है, कहाँ जाना है, और ख़ास तौर पे बाहर अगर जाना चाह रहे हैं तो कौन सी ऐसी डिग्री है जिसको वो सेलेक्ट करें, तो क्या कहेंगे सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो कौन सी ऐसी फील है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा? असल में देखें, होता क्या है हमारे पास, जब मैं डेली बेसिस पे स्टूडेंट के साथ मिल रहा होता हूँ या हमारे जो एक्सपोज होते हैं उसमें मैं मिल रहा होता हूँ, तो पता ये चलता है कि स्टूडेंट की इस वक्त सवाल ये होता है कि मैं वो फील्ड पढ़ना चाहता हूँ कि जिसमें मुझे मॉनेटरी बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो। तो जब तक हमारा ये पॉइंट रहता है, देखें होता क्या है, बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट हो रही है ज़रा, मैं और आप आज यहाँ पर ये शो कर रहे हैं तो एक कैमरा जो है वो ऑटो पर है, 2 कैमरामैन मौजूद हैं। आने वाले दौर में हो सकता है हमें 2 कैमरामैन की ज़रूरत भी ना हो, हो सकता है हमें मज़ीद टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत ना हो, तो ये जॉब्स ख़त्म होती जाएंगी, और वो जॉब्स जो ख़त्म हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से हो रही हैं। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ रही है उतनी रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स जो उसकी नीड कम हो रही है। सो इस वक्त स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनका जो इंटरेस्ट है वो पढ़ें, अगर उसमें 3 साल बाद अपॉर्चुनिटी नहीं भी होगी लेकिन उनका इंटरेस्ट होगा तो वो उसमें एक्सेल कर सकते हैं, वो खुद अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। तो ये मत सोचें कि मॉनेटरी बेनिफिट क्या है। अगर मैं इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखूं तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाहुम्म रज़क़नी, आप जब कहते हैं कि या अल्लाह मुझे रिस्क दे तो अल्लाह ताला उसका जवाब देते हैं। आप अपने रिस्क को, अपने खाने को, अपने माल को उस डिग्री से मशरूत मत करें कि अगर मेरे पास ये चीज़ होगी तो ही मैं ये बन सकता हूँ। अल्लाह ताला आपको वैसे भी वो सारी चीज़ें देंगे, तो अपने इंटरेस्ट को देखें, उसको पहचानें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप उस डिग्री में एक्सेल करें। और उसके अलावा, डिग्री के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सेल्फ ग्रूमिंग की बड़ी ज़रूरत होती है, आपको पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया तलहा अनवर, बहुत खूबसूरत बातें आपने की, और जो नौजवान हमें देख रहे हैं स्पेशली स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत मालूमाती और इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही। मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मिल जाइए, देखते रहिए सिटी 10।